हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वरूप पत्त फोटोग्राफी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइट रूम से इस तरीके का एडिट कैसे करते हैं, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले हमारा इमेज कुछ इस तरीके का था, एडिट करने के बाद वो इस तरीके का हो गया। इस तरीके का ब्लैक टोन इमेज पर कैसे लाते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले जिस फोटो पर आप इस तरीके का एडिट करना चाहते हो, उस फोटो को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहीं पर देखिए, इस लाइट ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। लाइट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक्सपोजर जो है उसको आप लोगों को 0.00 EV यही रहेगा एक्सपोजर, और आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट को 15 तक इनक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर कॉन्ट्रास्ट को 15 तक इनक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आप लोगों को हाईलाइट को -82 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर हाईलाइट को -82 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ, कर दिया। उसके बाद आप लोगों को शेडो को 61 तक इंक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर शेडो को 61 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ, शेडो को 61 तक इंक्रीज़ कर दिया। आप उसके बाद आप लोगों को वाइट को -100 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर वाइट को -100 तक डिक्रीज़ कर दिया। और उसके बाद ब्लैक को आप लोगों को -20 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर ब्लैक को 20 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ, ब्लैक को 20 तक डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आप लोगों को इस कलर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहीं पर कलर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद आप लोगों को जो वाइब्रेंस है उसको 33 तक इंक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर वाइब्रेंस को 33 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ, इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आप लोगों को सेचुरेशन को -11 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर सेचुरेशन को -11 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को इस मिक्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, कलर मिक्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो पहला जो रेड कलर है उसको सेचुरेशन को आप लोगों को -2 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर सेचुरेशन को -2 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये जो ऑरेंज कलर है इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसका जो ह्यू है इसको -17 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं ह्यू को -17 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ, 17 तक डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आप लोगों को सेचुरेशन को -14 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर सेचुरेशन को -14 तक डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद लुमिनेंस को 17 तक इंक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर लुमिनेंस को 17 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ, 17 तक इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आप लोगों को इस येलो कलर पर क्लिक करना होगा। येलो कलर को क्लिक करने के बाद इसका जो ह्यू है इसको -100 तक डिक्रीज़ करना होगा। सेचुरेशन जो है उसको भी -100 तक डिक्रीज़ करना होगा, और इसका जो लुमिनेंस है उसको -20 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर कर दिया। उसके बाद आप लोगों को ग्रीन कलर को चूज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर ग्रीन कलर को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इसका जो ह्यू है इसको आप लोगों को -76 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं ह्यू को -76 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ, ह्यू को -76 तक डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद सेचुरेशन को -85 तक डिक्रीज़ करना होगा। और उसके बाद आप लोगों को लुमिनेंस को -57 तक डिक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर लुमिनेंस को -57 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये जो एक्वा कलर है इसको आप लोगों को चूज़ करना होगा, और इसका जो सेचुरेशन है उसको -80 तक डिक्रीज़ करना होगा, कर दिया। उसके बाद लुमिनेंस को +2 तक इंक्रीज़ करना होगा। उसके बाद इसको मैं डन कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को इस इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहीं पर जो टेक्स्चर है इसको आप लोगों को 15 तक इंक्रीज़ करना होगा। तो मैं यहीं पर 15 तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्लैरिटी को इमेज के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहीं पर क्लैरिटी को मैं 54 रख देता हूँ। क्लैरिटी बढ़ाने से जो इमेज का जो ग्लेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को DH को 2 तक इंक्रीज़ करना होगा, और विग्नेट को आप 25 के आसपास रख सकते हो। तो विग्नेट को मैं यहीं पर
23 रख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मिड पॉइंट को 14 तक डिक्रीज़ करना होगा, तो मैं अपने मिड पॉइंट को 14 तक डिक्रीज़ कर देता हूँ। और फिदर को आप लोगों को 98 तक इंक्रीज़ करना होगा, तो मैं एक बार फिदर को 98 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को इस डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद शार्पिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, नॉइज़ रेडिएशन के थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सेव टू डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप लोगों को सेव करना होगा। तो इमेज सेव हो गया। तो एडिट करने के बाद देखिए हमारा इमेज कुछ इस तरीके का हो गया। पहले हमारा इमेज कुछ इस तरीके का था और एडिट करने के बाद वो इस तरीके का हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप को ये वीडियो अच्छे लगे है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।